नमस्कार दोस्तों, मैं मधुरा वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वास्तु क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो वास्तु से संबंधित अपना दूसरा वीडियो लेके आई हूँ, वो है थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स। ये जो थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स है, ये इसी के ऊपर में वास्तु साइंस आधारित है। ये पांच तत्व होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। एयर को हम वास्तु साइंस में वुड भी कहते हैं, वुड मतलब वनस्पति, लकड़ी। स्पेस को हम वास्तु साइंस में दूसरे रूप में मेटल भी कहते हैं। वास्तु साइंस में स्पेस को स्पेस और मेटल दोनों रूप में हम देखते हैं। ये जो थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स है, ये एक कॉन्स्टेंट है। ये जो सर्कल चल रहा है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये इसी सर्कल में चलता है। ये लॉजिक फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। ये जो थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स है, इसके दो पार्ट है। दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड द अदर पार्ट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ क्रिएशन, इसका मतलब होता है उत्पन्न, जन्म, किसी चीज का जन्म होना। जब एक तत्व से दूसरे तत्व का जन्म होता है तो उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ये कैसे काम करता है, ये लॉजिक कैसे चलता है? ये लॉजिक चलता है इस तरह से। थ्योरी ऑफ क्रिएशन मीन्स जब एक तत्व से दूसरे तत्व का जन्म होता है। वाटर पहला एलिमेंट है। वाटर, वाटर किसको जन्म देता है? एयर को। वाटर क्रिएट्स एयर और वुड, जैसा कि मैंने आपको बताया। एयर और वुड से यहाँ मतलब है वनस्पति, लकड़ी। पानी से ही वनस्पति का जन्म होता है, किसी पौधे का जन्म होता है। अगेन वुड से फायर, वुड से फायर उत्पन्न होता है। वुड फायर में कैसे होता है? जब लकड़ियों को हम जलाते हैं तो वो फायर उत्पन्न करती है। जब लकड़ी जलती है तभी फायर उत्पन्न होता है। फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ। जब लकड़ियां जल जाती हैं तो वो ऐश के रूप में पृथ्वी तत्व बन जाती है, उसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस और मैटर। धरती के बिना आप आसमान का अस्तित्व नहीं सोच सकते। धरती है तो आसमान है, धरती और आसमान दोनों साथ साथ चलते हैं। एक अर्थ इस तरीके से हुआ जिसने स्पेस को बनाया, दूसरा है मेटल। अगर आप देखें मेटल में धातु, जितने भी धातु हैं सब अर्थ के नीचे ही पाए जाते हैं। यानी कि धातु को उत्पन्न करने वाला कौन है? अर्थ। जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो हमें वहां से धातु मिलता है, यानी कि अर्थ क्रिएट्स मेटल। अगेन स्पेस, स्पेस क्रिएट्स वाटर। कैसे? आसमान ही बादल के रूप में बरसात करता है और पानी बरसाता है, तो इस तरीका से स्पेस से हमें वाटर मिलता है। तो ये सर्कल इसी कांस्टेंट वे में चलता है, ये लॉजिक फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस और मैटर, स्पेस के बाद अगेन वाटर। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ जब एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे वाटर, वाटर हमारा पहला एलिमेंट है। वाटर, वाटर के बाद हमारा आता है एयर। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस और मैटर। वाटर एक तत्व को छोड़ के दूसरे तत्व को, वाटर फायर को बुझा देता, पानी ही आग को बुझाता है। अगेन एयर, उसके बाद एयर, एयर अपने दूसरे तत्व यानी कि फायर को तो वो उत्पन्न करता है और डिस्ट्रॉय किसको करता है? अर्थ को। कैसे? एक पौधा पहले एक बीज होता है, वो जब पौधे के रूप में जन्म लेता है धरती पे तो धरती फाड़ के उसका जन्म होता है, यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करके वो धरती पे जन्म लेता है। तो एयर डिस्ट्रॉय अर्थ। अब फायर, फायर ने अर्थ को उत्पन्न किया। अब फायर या अर्थ को छोड़ के नेक्स्ट अपना एलिमेंट स्पेस, यानी स्पेस और मेटल। मेटल को वो खा जाता है, धातु आग में गल जाते हैं ना, इस तरीका से फायर मेटल को डिस्ट्रॉय किया। अब अर्थ, अर्थ ब्लॉक वाटर। आप देखेंगे तो पानी को हमेशा नदी, पानी को हमेशा मिट्टी ही बांधती है। जैसे आप देखिए एक नदी का एग्जांपल, नदी के दोनों किनारे में मिट्टी होती है ना,
पानी को बांधने वाला मिट्टी है। पानी के नीचे सतह भी मिट्टी की है, आधार भी मिट्टी है। खेत को देख लीजिए, खेत का एग्जाम्पल, खेत में एक किसान जगह जगह पे मिट्टी के बैरियर बना के पानी को ब्लॉक करता है ताकि उसकी खेती अच्छे से हो, यानी कि वो मिट्टी के जरिए पानी को ब्लॉक करता है। इस तरीका से अर्थ ब्लॉक वाटर, अर्थ स्पेस और मेटल। मेटल वाटर को तो बनाता है, उत्पन्न करता है, और डिस्ट्रॉय किसको करता है? एयर को, एयर और वुड। कैसे? स्पेस मेटल के रूप में पेड़ पौधे को काट देता है ना। पेड़ पौधे काटने के लिए हमें मेटल चाहिए ना, जो हमें मेटल चाहिए वो है ये मेटल। तो पेड़ पौधों को काटने के लिए मेटल का यूज होता है। इस तरीका से मेटल डिस्ट्रॉय वुड और एयर। तो ये है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये लॉजिक भी फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता। इस तरीका से साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ क्रिएशन एक साथ चलते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है ग्रोथ, क्योंकि इसमें उत्पन्न होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उत्पन्न करता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में नाश होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ क्रिएशन दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी में भी साथ साथ बढ़ भी रही है, साथ साथ घट भी रही है। सेम लॉजिक इस पे भी लागू होता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अब ये बैलेंस और इम्बैलेंस क्या होता है? जब भी साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हावी हो जाता है, मीन्स जब एक एंटी एलिमेंट दूसरे एंटी एलिमेंट में, जब एक एंटी एलिमेंट दूसरे एंटी एलिमेंट में चला जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं साइकिल, उस स्थिति को बोलते हैं इम्बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? जब साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता है वो बैलेंस की स्थिति होती है, क्योंकि साइकिल ऑफ क्रिएशन ग्रोथ को दर्शाता है, ग्रोथ मीन्स बैलेंस। तो इस तरीका से साइकिल ऑफ क्रिएशन के साथ में जुड़ा हुआ है बैलेंस, और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है इम्बैलेंस। और ये बैलेंस और इम्बैलेंस भी साथ साथ चलते हैं। जब चीजें इम्बैलेंस होती है तभी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो था थ्योरी ऑफ फाइव एलिमेंट्स पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप किस टॉपिक पे मुझसे नए नए वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।